हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द 8th सेशन ऑफ द नॉवल। तो आप सभी का स्वागत है 8वें सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉवल। नेम है नॉवल का कैन लव हैपन ट्वाइस। और अब तक हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हमने देख लिया है। और इन बाय थ्रू दिस नॉवल वी ट्राई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ड्स। हम इतनी सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि हम सीख पाएँ किसके नॉवल के थ्रू और आसान भाषा में, है ना। आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैप्टर 1 में हुआ क्या है कि तीन फ्रेंड हैं, मनप्रीत, हैप्पी, है ना, और अमरदीप। तो ये तीनों फ्रेंड मिलते हैं एयरपोर्ट के बाहर और फिर ये रेडियो स्टेशन की तरफ आते हैं और अंदर जाते हैं। तो पूरा इतना हमने डिटेल में एक में, और इनका एक फ्रेंड है, नाम है रॉबिन, उसकी को लेकर उसकी कहानी है नॉवल का। आई टू हैड अ लव स्टोरी, है ना। इस नॉवल जो हम पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी कहानी को लेकर के, और वर्तमान में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे इन सबकी कहानी को लेकर के वहाँ पर डिस्कस हो करने जा रहे हैं। शो है, टॉक शो है उसको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉवल और देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा। तो उसी के आगे शुरू करते हैं। बोला गया इट वॉज 8:30 PM, टाइम कितना हो रहा था, 8:30 बज रहा था। वेन दे फाइनली पार्क्ड देयर व्हीकल इन द पार्किंग लॉट ऑफ द रेडियो स्टेशन। तो वेन दे फाइनली का मतलब अंततः, पार्क्ड का मतलब अपनी गाड़ी वहाँ पर लगाई, देयर व्हीकल मतलब वही अपनी गाड़ी, इन द पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में जब उन्होंने गाड़ी लगाई तो उस समय टाइम कितना हो रहा था कि 8:30 बज रहा था। अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो तो वेन लिखा हुआ है और ये वेन सजेस्ट कर रहा है कि सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? जो कंपाउंड सेंटेंस हमारे होते हैं, है ना, वो किससे बने, कौन से कंजंक्शन से बने होते हैं, वो कंजंक्शन हमारे होते हैं कोरिलेटिव, जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं या जिस बोला जाता है वो हमारे किससे बने होते हैं, है ना, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बने होते हैं। तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक हमारा यहाँ से इतना है और दूसरा यहाँ से लगा करके यहाँ तक, है ना। ऑफ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लॉट ऑफ मत पड़ेगा, लॉट पार्किंग लॉट अलग है, ऑफ अलग है यहाँ पर। तो पार्किंग लॉट में उन्होंने गाड़ी खड़ी की एंड रेडियो स्टेशन का जो पार्किंग लॉट था वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, है ना। एवरीथिंग सराउंडिंग दम वॉज इनविजिबल। तो पहली चीज़ तो देखो, विजिबल का मतलब क्या होता है? विजिबल का मतलब जिसको देखा जा सके, जो विजिबल हो, है ना। और तो इसी से इन का, इन आपका प्रपोजिशन है, जो ज़्यादातर केसेस में इसका मतलब होता है नॉट। तो एवरीथिंग सराउंडिंग दम, जो उनके चारों तरफ जो उनको घेरे हुए थी, वॉज इनविजिबल, वो अदृश्य था, मतलब कि सॉरी वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन द फॉग, फॉग का मतलब जो धुंध छाई हुई थी उसको, है ना। और सच हैवी फॉग वॉज नॉट अनयूजुअल। तो देखो, नॉट लगाया फिर अनयूजुअल लगाया, दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं। तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव बना करके पॉजिटिव बना देंगे तो इसका मीनिंग कैसे निकालोगे? सच हैवी, इस तरह की जो धुंध थी, फॉग थी, वॉज, ठीक है, वॉज यूजुअल कर लेंगे एट दिस टाइम ऑफ ईयर, मतलब साल के इस समय तक आते आते ये ऐसा फॉग होना तय होता था। समटाइम इन मिड फरवरी में ऐसा आते आते हो जाता था। मिड का मतलब मध्य में। वन विंटर बिड्स गुड बाय, विंटर का मतलब होता है ठंडी जो होती है, बिड्स का मतलब होता है कि विदाई लेता है, है ना। बिड का बिडिंग पार्टी होती है ना, बिड, तो और बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, कई सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो वन विंटर बिड्स मतलब जब विंटर क्या होता है, गुड बाय कहता है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब का जो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें, है ना। इट वॉज ऑन सच डे, और ये उस तरह का दिन था, है ना। ये बताया कि अब तक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसका, कि डे के बारे में बताया, मौसम के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं। देखो, द डोर्स ऑफ द कार्स ओपन्ड, तो जो कार का डोर था वो क्या हुआ, ओपन हुआ, खुला। चर्निंग ऑफ द डेंस फॉग सराउंडिंग देम, चर्निंग, वैसे चर्न का मतलब होता है मथना, जो जैसे गांव में क्या होता है कि जो मम्मी लोग क्या करती हैं, जो दादी लोग क्या करती हैं कि दूध से दही और जो मट्ठा निकालती हैं, तो जो काम किया जाता है, घुमाया जाता है, जो चर्नर होता है जिसको मथानी बोला जाता है, है ना, तो उससे क्या करते हैं, चर्नर होता है, तो उसी को चर्न बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आवाज़ से है, तो चर्निंग द डेंस फॉग मतलब कि उसको चीरता हुआ, डेंस फॉग को सराउंडिंग दम, उनके फॉग को जो मतलब वहाँ पर फॉग थी उसको चीरता हुआ, है ना, धकेलता हुआ। द चिल इन द एयर, चिल जो ठंड थी,
कहाँ पर, इन द एयर में, इमिडिएटली अटैक्ड देम। देम का मतलब उन तीनों लोगों को, अमरदीप, हैप्पी और मनप्रीत को अटैक किया, मतलब उनको ठंड लगी। दे वर, अब अटैक का मतलब यहाँ पर अटैक को वैसा नहीं करना, मतलब कि उनको ठंड लगी मतलब अटैक किया, तो यही लिखने का स्टाइल होता है, बस यही चीज़ें आपको समझनी होती, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है ना। और आगे देम एंड देवर क्विक टू गेट देयर जैकेट्स, है ना, कि और वो देवर क्विक मतलब कि उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। देखो यहाँ पर आपको एंड आ गया, तो जो एंड है ये है कौन सा कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो एक ऐसा सेंटेंस बना रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। यहाँ से देखो आप, ये तो ये कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है कि द चिल इन द एयर इमिडिएटली अटैक देम एंड देवर क्विक टू गेट देयर जैकेट्स, मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये कॉम्पाउंड सेंटेंस है ना कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो कॉम्पाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें कैसा कंजंक्शन लगता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है ना, सीधा सीधा जुड़ता है, तो एंड से जोड़ा गया। तो देवर क्विक, उन्होंने जल्दी दिखाई टू गेट देयर जैकेट्स, की गेट इन टू देयर जैकेट्स मतलब कि अपने जैकेट्स में पहनने को लेकर के, है ना। दे वाइल दे टॉक्ड, और उन्होंने बात भी की साथ ही में, द वॉर्म एयर दे एक्सहेल्ड, है ना। देखो फिर आ गया ई एक्स का मतलब होता है कि बाहर, बाहर की तरफ, एग्जिट इसी से बना है, और इन का मतलब होता है अंदर, तो एग्जेल्ड का मतलब बाहर जो छोड़ रहे थे हवा, है ना, जो वार्म एयर, जो गर्म गर्म हवा मुंह से निकल रही थी, ब्लेंडेड विद द क्लाउड्स ऑफ फॉग दे वर इन, मतलब कि जहाँ पर वो खड़े थे वो जो फॉग थी, धुंध थी, उसमें जा कर के वो क्या होती थी, मिल जा रही थी, ऐसा था, है ना। और आगे अगर बात करें, रनिंग द जिप ऑफ ही जैकेट, अब देखो यहाँ पर रन का कैसा इस्तेमाल इन्होंने किया, रन का मतलब चलना होता है, तो चला करके क्या, जिप, है ना, ऑफ हिज जैकेट मतलब अपने जैकेट की, अप टिल हिज नेक वंस अगेन, मतलब कि अमरदीप, है ना, कि जो अपनी जैकेट की चेन थी उसको गर्दन तक खींचते हुए, अमरदीप गेव अदर्स फूड ऑफ फॉर थॉट, है ना, मतलब कि अमरदीप ने दिया, क्या दिया, सम फूड, खाना, फॉर थॉट, विचारों का खाना, है ना, मतलब कि ज्ञान दिया। अब ज्ञान क्या है आगे देखते हैं भाई, है ना, ज्ञान उन्होंने क्या दिया, वॉट इज़ इट लाइक 5 degrees, है ना, कि उन्होंने गेस करके बोला कि वॉट इज़ इट, है ना, मतलब कितना होगा ये, लाइक 5 degrees मतलब 5 degrees Celsius होगा, क्या टेम्परेचर है उसकी बात करें, है ना। मनप्रीत डिड नॉट डिले, है ना, और मनप्रीत ने क्या किया, डिले नहीं किया, है ना। स्लिपिंग हिज आईफोन आउट ऑफ हिज पॉकेट, मतलब कि मतलब स्लिपिंग का मतलब निकालते हुए क्या, आईफोन कहाँ से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से। ही फ्लॉन्टेड, है ना, फ्लॉन्ट का मतलब इठलाना, है ना, इठलाना, इतराना, दिखावा करना, शान दिखाना, है ना। हाँ, ही फ्लॉन्टेड द गैजेट मतलब हवा में क्या दिखाया, क्या गैजेट अपना, है ना। एज ही कंसल्टेड इट एंड करेक्टेड अमरदीप 7.55 degrees Celsius, है ना, विच इज़ 45.59 फॉरेनहाइट, मतलब कि उन्होंने अपने जो मनप्रीत है उन्होंने अपने क्या किया, है ना, गैजेट निकाला, मोबाइल फ़ोन आईफोन था, और उसमें चेक किया कि जो अमरदीप को करेक्ट करते हुए बोला कि जो टेम्परेचर है वो 5 degree नहीं, 7.55 degrees Celsius है, है ना, और जो कि फॉरेनहाइट में होगा कितना, 45.59 फॉरेनहाइट होगा, इतना मतलब उसको करेक्ट करते हुए इतना बोला। आगे देखते हैं, इनसाइड ही फेल्ट हैप्पी, है ना, अब यहाँ पर हैप्पी वो उनका नेम नहीं है, यहाँ पर खुश होने से है, इनसाइड ही फेल्ट हैप्पी मतलब अंदर से उसने क्या, मतलब एक हैप्पीनेस, खुशी महसूस की, दैट फाइनली अ मोमेंट केम व्हेन वेयर इन ही कुड फॉल अपॉन हिज सुपर ह्यूमन गैजेट, मतलब कि वो अंदर से इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि अमरदीप ने बोला था 5 degrees Celsius और गैजेट दिखा रहा था मतलब लगभग 7.55 degrees Celsius, तो अंदर से खुश हो रहा था कि ही कुड फॉल अपॉन ही सुपर ह्यूमन गैजेट, मतलब आईफोन के ऊपर वो मतलब विश्वास कर सका, उसकी गैजेट था, उसके माध्यम से वो टेम्परेचर चेक करके बता सका, तो इसमें बड़ा खुश हो रहा था, है ना। अ टेक सैवी गाय, सैवी का मतलब क्या होता है, वही जो बोल सकते हैं कि जानकार, है ना, कि जब टेक वगैरह के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानता था। ही सेल्डम मिस्ड मतलब वो एक होता है सेल्डम, देखो होता है सेल्डम, है ना, और एक होता है नेवर होता है, तो सेल्डम का मतलब कभी कभार होता है, है ना, एकदम सेल्डम का मतलब बहुत ही रेयर केस में, है ना, और नेवर, और इसी का क्या होगा कि मीन्स ऑफन, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफन, OFTN जो होता है ऑफन, इसी का उल्टा हो जाता है ना, तो सेल्डम का मतलब कभी कभार, रेयर केस में, ऑफन का मतलब अक्सर होता है ना, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। तो सेल्ड मतलब ऐसे लोग, इस तरह के जो गाय होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, बहुत कम मिस करते हैं चांस कि वो अपना ज्ञान देने से, मतलब तुरंत अपना ज्ञान स्टार्ट कर देते हैं,
है ना वही. ही सेल्डम मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द यूज़ ऑफ हिज अमेरिकन गैजेट्स एंड एंजॉयड द कन्वर्टिंग इंडियन मेजर्स इनटू अमेरिकन यूनिट्स एंड ऑल एट द सेम टाइम. मतलब कि सिंपल सा इस पूरे का मतलब है कि वो उसने क्या किया, अपने गैजेट का इस्तेमाल किया और मौका हाथ से नहीं जाने दिया, दिमाग लगाया अमेरिकन गैजेट का, है ना, और सेम टाइम में सब कुछ बता दिया कि इंडियन वाले में. आगे देखते हैं. स्नग इन देयर जैकेट्स, है ना, इसने कब तक चुस्त, है ना, चुस्त होता है इन देयर जैकेट्स, मतलब अपने जैकेट्स में एकदम सब छुपे हुए, है ना. जीन्स एंड लेदर बूट्स दे वॉक टूवर्ड्स द रेडियो स्टेशन, है ना. तो कहने का मतलब है कि जैकेट एकदम चुस्त वगैरह पहने थे, बूट्स पहने थे लेदर, है ना, वाले, और जीन्स वगैरह पहने थे. दे वॉकड, वो चले टूवर्ड्स की तरफ, है ना, द रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन की तरफ वो चले, है ना. देयर फुट स्टेप्स, मतलब उनके जो कदम थे उन, है ना, मार्चिंग आगे जा रहे थे इन यूनिसन. यूनिसन का मतलब होता है कि एक लय के साथ. स्टर्ड, क्या एक तरह से आंदोलन टाइप का. स्टर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ शांत हो उसको जगा देना, है ना, तो तू मींस शोर टाइप का कर देना. स्टर्ड द हाइबरनेटिंग, हाइबरनेट का मतलब होता है सोना, है ना. हाइबरनेट का मतलब तो सुप्तावस्था होता है. तो जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं, छिपकली होती हैं, ये क्या होती हैं, हाइबरनेट हो जाती हैं अपने समय के हिसाब से. जैसे मेढक होता है वो हर समय गर्मियों में नहीं दिखता, क्या हो जाता है, हाइबरनेट हो जाता है. कहाँ पर, अर्थ के अंदर, मतलब मिट्टी में छुप जाता है, सोता रहता है, मतलब सीजन पूरा पूरा सोता है. जब इसका मौसम आता है तब वो बाहर निकलता है. तो कह रहे स्टर्ड द हाइबरनेटिंग साइलेंस इन द पार्किंग लॉट, जो पार्किंग लॉट में एकदम साइलेंस था उसको जो हाइबरनेटिंग मतलब सोती हुई जो साइलेंस था उसको जगाते हुए. स्टर का मतलब आप क्या होता है, चलाना होता है, सब्जी चलाना भी होता है. स्टर का मतलब मूवमेंट करना भी होता है, है ना, आंदोलन करना भी होता है. तो वही मतलब क्या, जो शांत माहौल था उसमें क्या हलचल पैदा करती है ना. तो देखो राइटर कैसे वर्ड्स लेके आ रहा है, कैसे कैसे वर्ड्स और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहा है. तो हमको नॉवल के थ्रू यही सीखना होता है कि कौन सा वर्ड हमको कहाँ इस्तेमाल करना है. एक वर्ड्स के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं और यही हमको सीखना और यही हमको यूज़ करना है ना. हैप्पी वॉज अवेयर, हैप्पी क्या था कि अवेयर था, किस बात को लेकर के कि, है ना, वेट अ मिनट, हाँ, हैप्पी वॉज अवेयर हु ही हैड टू मीट एट द स्टेशन. हैप्पी वॉज अवेयर, हैप्पी अवेयर था हु. देखो यहाँ पर एग्जाम में एरर आता है, आप क्वेश्चन बनेगा को रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होता है. तो अब ज़्यादातर पढ़ोगे, है ना, तो यहाँ पर होम का सेंस देगा, डब्ल्यू एच ओ एम, होम, है ना, WHWHOM होम. तो यहाँ पर जैसे एग्जाम में एरर आएगा तो हु की जगह क्या कर देगा, होम कर देगा, और आप सही कर दोगे वहीं पर वो गलत हो जाता है. तो हैप्पी वॉज अवेयर हु ही हैड टू मीट, है ना, एट द स्टेशन. लेकिन मीनिंग निकाल रहे हो, देखो फीलिंग आ रही है कि इसको होम यहाँ पर होना चाहिए, बस यही आपको समझना होता है. तो हैप्पी अवेयर था, जानकारी थी उसको कि उसको किससे मिलना था, है ना, स्टेशन पर. बाई नाउ, और अब तक क्या, ही हैड ऑलरेडी गॉट अ कॉल फ्रॉम, है ना, रेडियो स्टेशन इवेंट मैनेजर, मतलब कि अब तक उसे ऑलरेडी कॉल आ चुका था किसी स्टेशन के मैनेजर, जो इवेंट मैनेजर था उससे, है ना. तो ये आज से ही तक रखते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि आपसे जुड़े रहिए, है ना, और मेरी गारंटी कि मैं आपको इंग्लिश किसी भी तरह से सिखा दूंगा, पढ़ना सिखा दूंगा, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाएगा, ग्रामर सही होगी, वोकैब सही होंगे, डेली सेंटेंसेस आपकी स्पीकिंग सही होगी, सारी कुछ सही होने वाली है. बस आप हमसे जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, है ना, किसी जुड़े रहिए, है ना. और आपको सेशन अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी सीख सकें, है ना. सो थैंक यू फॉर टुडे.